वो दूर खाड़ी में बस्ती देख रहे हो साहब? मैं वहीं रहता था, मेरा बाप वहीं चाय के बगानों में काम किया करता था। बड़ा ही हंसमुख इंसान था मेरा बाप, वर्कर लोग उनकी बहुत इज्जत किया करते थे, यूनियन का बड़ा लीडर था। मेरे बाप ने मुझे बहुत प्यार दिया साहब, बहुत प्यार दिया। और वो पेड़ देख रहे हैं साहब? उस पेड़ पर रस्सी का एक बड़ा हा झूला, और वहां पर मेरा बाप ले जाकर ना जोर जोर से पींगे दिया करता था। झूला ऊपर ऊपर और ऊपर, झूला साए साए साए, और जब झूला नीचे आता तो कैसा लगता है ना साहब? बड़े ही प्यारे दिन थे साहब, वो कमाल के दिन थे। लेकिन एक दिन साहब मेरे बाप को पुलिस उठा कर ले गई, और तो और साहब मेरी माँ भी मुझे छोड़कर चली गई। एक माँ अपने बच्चों को छोड़कर चली गई साहब, एक माँ अपने बच्चों को छोड़कर चली गई साहब। वो मैं रोता रहा, मैं बिलखता रहा, मजा लो जो किसी ने पानी भी पूछा हो साहब। रोते रोते रात हो गई साहब, रात हो गई, रोते रोते रात हो गई, और रात हुई तो भूख लगी साहब। और साहब जो भूख लगती है ना, तो ऐसा लगता कि जैसे कोई जानवर आपके अंदर हो, अपने पंजों और नाखूनों से काट रहा हो साहब। लेकिन साहब उसी पेड़ के नीचे साहब एक कुत्ता आया, एक रोटी का टुकड़ा लिए चबड़ चबड़ चबाने लगा साहब, चबड़ चबड़। मैंने सब पत्थर उठाया, देख मैं कुत्ते कुत्ता भागा, और मैं उसके पीछे भागा। भागते भागते कुत्ते के मुंह से रोटी गिर गई साहब, और मैंने वो रोटी का टुकड़ा उठाया साहब, और मैंने वो खा लिया साहब, मैंने खा लिया वो। तब से साहब ऐसा लगता है कि जैसे किसी ने जमीन और आसमान पे लिख दिया हो साहब, वो ना अगर जीना है तो मारना सीख, मारना सीख, छीनना सीख मुन्ना, छीनना सीख।